गुड मॉर्निंग 8th क्लास इन दी 8th क्लास ऑफ श्री महावीर मारवाड़ी हाई स्कूल आई एम आर ए झा वेलकम्स यू हियर टू लर्न इंग्लिश. वी विल लर्न इंग्लिश विथ ईच अदर थ्रू दिस वर्चुअल क्लासरूम. हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से इंग्लिश लर्न करेंगे क्लास 8th का. सबसे पहले At first, we will go through the parts of speech of the grammar portion. English में जब हम कोई बात करें तो हम जिन शब्दों का use करते हैं, जिनसे sentence बनते हैं, उनकी जानकारी हमें होना आवश्यक है. तो उसमें होता है parts of speech. Let us see What are parts of speech? वाक्य बनाने के लिए to frame a sentence we need noun, pronoun, verb, adjective, preposition, conjunction, interjection. All these are part of speech. So my dear, today we will see what are the parts of speech. Ram is a good boy. Listen carefully. I am saying Ram is a good boy. Here Ram is a name. Is helping verb. A article. Good adjective. Boy again. Now. So एक ही सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं सभी अलग अलग पार्ट्स में हैं. इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. सो व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी बातें आपको पता होंगी जब भी आप इंग्लिश को पढ़ सकोगे, इंग्लिश को समझ सकोगे और इंग्लिश में लिख सकोगे. तो इंग्लिश में टेंस के थ्रू हम स्टडी स्टार्ट करते हैं. बट टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस फ्रेम करना हो तो आपको वो सेंटेंस के पार्ट्स की जानकारी होना आवश्यक है. इसलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. सो आपको पता है व्हाट इज़ नाउन. नाउन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स एनी नेम, एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी स्थान को जब कोई वर्ड डिनोट करता है तो उसे हम नाउन कहते हैं. यू नो वेरी वेल. इसके बाद प्रोनाउन. जस्ट लिसन केयरफुली. राम इज अ गुड बॉय. राम स्टडी इन मारवाड़ी स्कूल. राम इज अ प्लेयर. हर बार जितनी बार मुझे वाक्य में राम शब्द का या राम के इस नाम का उपयोग करना है, हर बार मैं राम कह रही हूँ. इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन यूज़ राम इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन मारवाड़ी स्कूल, ही इज़ अ प्लेयर. इन सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस आई हैव यूज्ड ही इन प्लेस ऑफ राम. दैट ही Which is replacing Ram is pronoun. So, जो noun को replace करे, the word which is used in place of noun, which can be used in place of noun is pronoun. He, she, it, they, ये सारे pronouns. Thereafter, verb. Let us discuss about a verb. What is verb? Ram plays football. Plays. P-L-A-Y-S. Plays. The word play indicates that some action. कोई action है, कोई क्रिया हो रही है, वहाँ पर कोई ना कोई कार्य हो रहा है. Play यानी खेलने का कार्य हो रहा है, उसे हम कहते हैं verb. जब हमें किसी word से, when we conclude any action by any word, that word is verb. जैसे watch, speak, run,
cook, play, read, write, many more verbs are there, and you know very well these are verbs. Now, in the first example, I told you that Ram is a good boy. Here, I have put word good before boy. What is good? Good is explaining very nice manner the boy. राम एक अच्छा लड़का है, उस लड़के की अच्छाई, उस लड़के की विशेषता. द स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्सन इज इंडिकेटिंग द वर्ड गुड. गुड के द्वारा हमें उसकी खासियत पता चल रही है. तो गुड जो है दैट इज एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेशलिटी बताए, दैट इज एडजेक्टिव. Ram plays very well. Another example if we take here. Reena sings sweetly. Reena sings sweetly. Reena जो है वो मधुर गाने गाती है या वो गाना बहुत मधुरता से गाती है. तो उसके गाने की क्रिया की विशेषता पता चल रही है किससे? Sweetly से. That is एडवर्ब की, वर्ब की स्पेशलिटी जो वर्ड हमें बता रहा है, दैट विल बी एडवर्ब. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी प्रीपोजिशन. व्हाट इज प्रीपोजिशन? माय बॉटल इज अपॉन द, I think now you can identify these words: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition. So, in the next video, you will see interjection and conjunction. Remaining parts we will see in next video. Till then, you have to complete the activity what I am giving here.